हेलो फ्रेंड्स, मुबल्स किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर जैगरी पफ लड्डू बनाने जा रही हूँ। तो जैगरी पफ लड्डू कैसे बनाते हैं तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 स्पून मैंने देसी घी लिया हुआ है, ज़्यादा नहीं। मैंने ये वाली छोटी स्पून मैंने घी इसमें देसी घी डाल के रखा है। और मेरी कढ़ाई यहाँ गर्म हो चुकी है और मैंने 1 कटोरी ये गुड़ लिया है, जैगरी। और जैगरी जो मेरा जो गुड़ है ये मेरा इसमें नट्स ऐड हुए हैं, तो ये बर्फी टाइप में था तो मैं इस गुड़ को ही इसमें यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर प्लेन वाला है तो आप प्लेन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये सारा गुड़, और फ्लेम को मुझे स्लो ही रखना है। तो ये मेरा गुड़ जल्दी से ही मेल्ट हो जाएगा। और इसमें मैंने 2 कटोरी के करीब ये पफ लिए हुए हैं। आप इसको कम या ज्यादा भी बना सकते हैं। तो देखिए ये मेरा गुड़ मेल्ट होता जा रहा है। अब थोड़ी हल्की सी गर्मी हो गई है, मार्च का महीना है तो गुड़ को मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे ये पफ लड्डू ज़्यादा पसंद है तो मैं इनको विंटर्स में अक्सर कर बनाती रहती हूँ। मैंने पहले भी इसकी वीडियो डाली हुई थी पर वो डिलीट हो गई है, तो मैं आज बना रही थी अपने टेस्ट के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए वीडियो भी डालती हूँ साथ में और बनाती हूँ इसको। इसको बनाने में कम से कम 5 मिनट लग जाते हैं। और देखिए इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो रहा है, कुछ ही ट्रांसपेरेंट जैसा होता जा रहा है। और ये हमारा अगर क्रंच पफ लड्डू हमें क्रंच में अच्छे लगते हैं तो हमें इसको चेक करना होगा कम से कम 2 बार। अभी तो ये नहीं हुआ है और इसको लगातार चलाते रहना है। और हमने अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये नीचे से जल भी जाएगा। और साइड से भी हटाते रहें कढ़ाई में इधर उधर ना चिपके। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में वो कटोरी में पानी लिया हुआ है और उससे मैं चेक कर रही हूँ कि ये अभी मेरा इसमें कोई क्रंच आया कि नहीं आया। तो देखिए अभी नहीं आया है, ये एक तार की तरह खिंच रहा है, तो ये मेरा अभी नहीं हुआ है। तो इसको कम से कम अभी 1 मिनट और लगेगा। अब मैं इसको एक बार और चेक करती हूँ। तो अब ये थोड़ा हो चुका है और
कुछ मेरा कट की आवाज में कर रहा है और कुछ हो चुका है, तो ये टूट भी रहा है आसानी से। और इसका कलर भी देखिए चेंज होता जा रहा है, तो मुझे इसे बस एक सेकंड के लिए और चलाना है। तो देखिए अब ये मेरा यहाँ पर हो चुका है और यहाँ मैं ये फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसमें ये मैं सारे पफ डाल दूंगी और इनको चलाते रहना है लगातार ताकि ये सब में चिपक जाए इसमें जैगरी। आप इसी तरह से इसको चाहे बर्फी में भी बना सकते हैं, इसकी जो मार्केट में पीसेस मिलते हैं इसके काफी स्क्वायर शेप में, तो आप इस तरह इसको भी बना सकते हैं एक थाली में इसको जमा कर और फिर बाद में इसके पीस मनचाहे आकार में इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे इस तरह से बनकर रेडी हो चुके हैं और मैं अब इसके लड्डू बनाने जा रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ये लड्डू कैसे बनाती हूँ। यहाँ पर ये इस तरह से घी का हाथ लगाकर ये लड्डू बनाकर रेडी कर लिए, क्योंकि ये काफ़ी गर्म है तो मेरे भी हाथ भी देखिए कितने गर्म हो चुके हैं। तो ये धीरे धीरे से मैं सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लूँगी। और तो यहाँ पर देखिए ये मेरे जैगरी पफ लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं, तो ये देखिए कितने अच्छे बने हुए हैं। तो ये मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। तो मैं अपनी अगली नई रेसिपी में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।